सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्र का स्वामी, यह 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव का प्रतीक रूप है, और यह मंदिर भारतवर्ष का पहला मंदिर भी माना जाता है। सोमनाथ गुजरात के स्वराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू हुई अहमदाबाद से। हमारी ट्रेन वेरावल एक्सप्रेस थी, जिसने हमें वेरावल रेलवे स्टेशन उतारा। वेरावल रेलवे स्टेशन सोमनाथ मंदिर से बस 15 मिनट की दूरी पे है। आप शेयरिंग ऑटो लेकर इजीली मंदिर आ सकते हैं, और इस ऑटो का किराया होगा 20 रुपये। सुप्रभात, हर हर महादेव। एक और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आज हमें सोमनाथ में। अगर आपको सोमनाथ आना है, नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट होगा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वेरावल होगा। मंदिर के अंदर आपको मोबाइल कैमरे लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो आप बाहर लॉकर में अपने मोबाइल कैमरास को रख सकते हैं, और जिनकी प्राइस 20-20 रुपए पर फोन होती है। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, क्योंकि हम जल्दी सुबह आ गए थे, तो हमारे दर्शन, हम मंदिर 6 बजे ही पहुंच गए थे, तो हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। बिल्कुल भीड़ नहीं थी मंदिर में, बिल्कुल भीड़ नहीं। आप चाहो तो 5-10 मिनट शिवलिंग के सामने भी खड़े रह सकते थे, इतना अच्छा था। मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज हो रहा है, पब्लिक धीरे धीरे आ रही है, पर माहौल बहुत सुंदर है सोमनाथ में। हम मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम दर्शन करने गए इससे भी पुराने सोमनाथ मंदिर में, जो कि 300 साल पुराना माना जाता है, जिसे साध्वी अहिल्या बाई ने बनवाया था। मैंने वहाँ के पंडित जी से भी बात की, जिन्होंने हमें दोनों मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। 3000 साल पुरानी जगह वो है जो नया मंदिर है, पहले वहाँ मंदिर था, कभी मंदिर नहीं था। वही 1924 में मोहम्मद गजनी और कई लोग मुस्लिम लोगों ने अटैक किया, पूरा मंदिर ध्वंस कर दिया। वहाँ जो शिवलिंग था वो लुप्त हो गया। बाद में 700 साल तक यह गांव में कोई मंदिर नहीं था। 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई जो शिव भक्त थी, उसी के ख्वाब में भगवान ने बोले, तू प्रभास क्षत्र जाओ, ये प्रभास पटन गांव है, प्रभास क्षत्र जाओ, काम देनो गाय लेके। वो गाय जहाँ रुक जाए, अपने आचार से दुख की धारा बहाए, वहीं पर खुद काम करना, मैं वहाँ स्वयं प्रकट रहूँगा। ये जगह पर आके गाय रुक गई, अपने आंसर से दुख के जा रहा भाई, यही खुद काम का भगवान स्वयं प्रकट हुआ। उसको बड़ा 300 साल बाद आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल नया मंदिर बनाया। वहाँ जो शिवलिंग है वो राजस्थान का मकराना गाँव है, वहाँ से लाके प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। अरे ये 300 साल पुराना है, वो 75 ईयर्स पूरा ओल्ड है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद पीछे साइड में ही बहुत सुंदर सा बीच है, आप उस बीच पे भी कुछ समय बिता सकते हैं, और फिर आगे बाकी मंदिरों के लिए आप निकल सकते हैं। सोमनाथ में बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर हैं, जैसे बालका तीर्थ। बालका तीर्थ वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा और वहां से वो वैकुंठ चले गए। आप उसके बाद त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम है, हिरण, कपिला और सरस्वती। फिर आप गीता मंदिर जा सकते हैं और बाल गंगा जा सकते हैं। बाल गंगा भी एक बहुत सुंदर स्थल है, जहाँ पे शिवलिंग पानी के अंदर है, और आपको समुद्र के थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा अगर शिवलिंग को टच करना है। चलिए मैंने आपको सोमनाथ मंदिर और आदि सोमनाथ में घूमने वाली जगहों का नाम बता दिया। अब अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप किसी वीकेंड में गए हैं और एक ही दिन में सोमनाथ और द्वारकाधीश दोनों जगह के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग सोमनाथ आ जाएं। आप अपना दर्शन 7-8 बजे तक
कर लें, आप इजीली कर सकते हैं दर्शन इतने बजे तक, बिकॉज सुबह बिल्कुल भी भीड़ होती नहीं है मंदिर में, तो आप अपना दर्शन 8-9 बजे तक भी ख़त्म कर लें तो इजीली आपको बस स्टॉप से द्वारका के लिए बसें मिल सकती हैं। सोमनाथ का बस स्टॉप भी मंदिर से पास में ही है, आप वॉक करके भी इजीली जा सकते हैं वहाँ पे, हार्डली 200-300 मीटर दूर होगा वो मंदिर से। तो बस स्टॉप पे हमने इंक्वायरी की अभी, और इंक्वायरी में इन्होंने बोला कि बस जो है हमारी वो आएगी 10:30 बजे, तो अभी 8 बज रहे और 10:30 बजे 2-2.5 घंटा वेट करने का कुछ मतलब बनता नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि शायद वेरावल जाए और वेरावल से द्वारका के लिए बस पकड़ लें। हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, बिकॉज बस स्टॉप से तो हमें कोई बस नहीं मिली द्वारका जाने के लिए, क्योंकि बस 10:30 की थी, तो हम 2.5 घंटा वेट नहीं करना चाहते थे, तो हम ऑटो लेकर फ्लाईओवर की तरफ चले गए। तो अगर आप भी हमारे जैसे सिचुएशन में फंसे हैं कि बस को आने में बहुत टाइम है, तो आप सिटी के अंदर चले जाएं फ्लाईओवर बोल के किसी भी ऑटो वाले को, और फ्लाईओवर के पास से बहुत बसें जाती रहेंगी द्वारका के लिए, या तो आप ऑटो वाले को भी बोल सकते हो कि द्वारका के लिए जहाँ से भी बस मिले हमें पकड़वा दो, तो ऑटो वाले भी आपकी हेल्प कर सकते हैं द्वारका की बस पकड़ने के लिए। हमारी भी हेल्प कुछ इसी तरह से एक ऑटो वाले भैया ने की और हमको द्वारका का बस पकड़वा दिया, और फिर कुछ इस तरह से हम सोमनाथ को अलविदा करते हुए द्वारकाधीश जी के धाम निकल पड़े। चैनल में जाके आप द्वारकाधीश जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने और वीडियो के माध्यम से आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। अब अगर बात करें कॉस्ट ऑफ ट्रिप की, तो आपको यहाँ पे स्टे करने के लिए इजीली धर्मशालाएं या फिर होटल्स मिल जाएंगे, जिनका किराया होगा 500 से 1000 पर नाइट। खाने पीने की भी बात करें तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बजट फ्रेंडली है, तो वो भी एक टाइम का खाना आपका 100 रुपये के अंडर हो जाना चाहिए। बेस्ट टाइम टू कम वो होगा सितंबर से लेकर मार्च के बीच, क्योंकि तब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, और आप श्रावण में आना भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि तब बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। मैंने इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ आपको दे दी हैं कि आप अब बहुत आराम से सोमनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। हर हर महादेव बोल के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज़ कर रहा हूँ और आपको हर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन में इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के सफ़र में, तब तक आप चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं।